हेलो बच्चों, मैं हूं हुसैनी सर। आपका स्वागत करता हूं मेरी चैनल लर्नोमेनिया में। मैंने ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है आईटीआई स्टूडेंट के लिए। इस चैप्टर के मैंने बहुत सारे पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं आईटीआई के स्टूडेंट, उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ आप पहले के पार्ट्स देख लीजिए, तब ये पार्ट आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को आईटीआई बच्चों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी चैनल का नाम है लर्नोमेनिया। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा मेरी चैनल की लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, वहाँ जाके आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब के साथ प्लीज बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि जैसे ही मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और सबसे पहले मेरी वीडियोस आप देख सके। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। आज कुछ इंटरेस्टिंग सम्स हम करेंगे, ठीक है। द फर्स्ट सम इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cos 45 डिग्रीज sin 45 डिग्रीज। मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है कि मेरा टारगेट होगा कि मैं ज्यादातर ऐसे सम सॉल्व करूं जो आपके एमसीक्यू जो पैटर्न है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उससे रिलेटेड हो और वो टाइप के हम सम सॉल्व करें ताकि एग्जाम में आपकी मदद हो सके। तो मैं ऐसे ही सम सॉल्व करूंगा जो एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। लेट्स सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cos 45 डिग्रीज sin 45 डिग्रीज। इसको वर्कआउट कैसे करेंगे, ठीक है। सोल्यूशन के लिए आपको ये सब रफ वर्क में करना होगा। 2 cos 45 डिग्रीज sin 45 डिग्रीज, ठीक है। अब हमें 2 as it is लिखना है। ये cos 45, अगर आपको याद है cos 45 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के हिसाब से cos 45 की वैल्यू 1/√2, सो cos 45 की जगह पर मल्टीप्लाई बाय मैं 1/√2 लिखता हूं cos 45 की वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाय साइन 45। साइन 45 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेबल साइन 45 इज आल्सो 1/√2, सो साइन 45 की जगह पर भी मैं 1/√2 लिखता हूं। इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये 2 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों फ्रैक्शन, 1/(1) = 1 इज 1 और √2 × √2 2 हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, अगर मैं √3 × √3 होता है किसी सम में तो √3 × √3 becomes √9, ठीक है, मल्टीप्लाई करके √9 will become 3। सो इसी बेसिस पर √3 × √3 हम लोग डायरेक्टली 3 लिख सकते हैं। वैसे ही मैंने यहां किया हुआ सी √2 × √2, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो हम √4 लिखेंगे दोनों मल्टीप्लाई करके, एंड √4 इज 2। सो √2 × √2 बन जाएगा फाइनली। सो √2 × √2 के लिए मैंने डायरेक्टली 2 लिखा है आपके सामने यहां पर। अब इसे सॉल्व करने के लिए 2 1s and 2 1s ऊपर और नीचे कट हो जाएगा। फाइनली अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, यहां 1 बचा है और यहां पर भी पूरा 1 हो चुका है, 1 × 1, द आंसर इज 1। आपको अपने एमसीक्यू के चॉइसेस में जो 4 चॉइसेस दी होती है उसमें से ये आपको लोकेट करना पड़ेगा, दिस इज द आंसर। चलिए आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। ओके बच्चों, ये है हमारा नेक्स्ट सम, सेकंड वन। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 80 upon sin 10 plus cos 59, यहां कोई साइन नहीं है मल्टीप्लाइड बाय है, इसका मतलब cosec 31 डिग्रीज, cos 59 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाय cosec 31। मैंने ऑलरेडी ये सम कॉपी करके यहां रखा हुआ है। सबसे पहली चीज देखिए, ये फिगर्स देखिए, ये फिगर्स के तो वैल्यू हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में नहीं मालूम है, इज़न्ट इट। सो हम यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन यूज करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन मतलब 90 डिग्रीज के साथ मैच करके देखेंगे। ये सबसे पहले ये दोनों में से किसी एक को कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन लगाओ। देखो साइन एंड कॉस ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो
तो ये cos at जो है, cos at उसकी जगह मैं sin 90 माइनस 80 डिग्रीज लगा सकता हूं। मैंने cos at का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन पड़ोसी एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी, cos का पड़ोसी होता है sin, cos का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है sin के साथ, तो cos at की जगह मैंने sin 90 माइनस 80 कर दिया है। नीचे ये sin 10 डिग्रीज एज इट इज, प्लस ये दोनों में भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन होता है। अब ये दोनों को सॉल्व करने के लिए ये cos 59 डिग्रीज अभी फिलहाल मैं एज इट इज रखता हूं, ये cosec के लिए मैं cosec का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन लगाता हूं, cosec का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन sec के साथ होता है, तो ये cosec की जगह पर मैं sec 90 माइनस 31 डिग्रीज लगाया मैंने, cosec 31 डिग्रीज का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन sec 90 माइनस 31 डिग्रीज हो जाएगा। cosec चेंजेस इनटू sec, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन 90, अगर cosec थीटा होता तो यहां sec 90 माइनस थीटा हो जाता, ये हिसाब से मैंने कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन लगाया। नेक्स्ट स्टेप अब सिंपल है, sin साइन एज इट इज 90 माइनस 80 मतलब 10, इसके नीचे ये साइन 10 पहले से है, प्लस ये कॉस 59 एज इट इज, और ये सेक 90 माइनस 31 बिकम्स सेक 59, 90 माइनस 31 59 डिग्रीज हो गया, ठीक है। लास्ट अब ये देखिए रिड्यूस हो जाएगा, सेम चीज साइन 10 साइन 10 बनजा साइन 10 बनजा कट्स, कितना बचा 1, प्लस यहां पर ये कॉस 59 हम एज इट इज लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय, मैंने कहा था अगर कोई साइन नहीं है तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन अंडरस्टूड है, ये सेक 59 का हम इनवर्स रिलेशन लगाएंगे, सेक 59 का उल्टा कौन होता है cos, isn't it, sec का उल्टा cos के साथ रिलेशन है, recall the first video, तो ये sec 59 का उल्टा करके हम 1 upon cos 59 कर देंगे, ठीक है, इनवर्स रिलेशन मैंने लगाया। अब यहां पर ये तो ठीक 1 हो चुका है, cos 59 1s are, cos 59 1s are cuts, दोनों सेम है कट हो जाएंगे, अल्टीमेटली यहां क्या बचा है 1, प्लस यहां पर सॉल्व करके क्या बचा है, ये दोनों चीजें रिड्यूस हो चुकी थी, बचा है 1, एंड 1 प्लस 1 फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 2, ये है सम का आंसर सॉल्व करके जो मिला है आपको एमसीक्यू में, ये वैल्यू ढूंढनी है 2, ये तरीका होता है सम सॉल्व करने का। चलिए आइए और एक इंटरेस्टिंग सम देखते हैं। ओके बच्चों ये है अपना नेक्स्ट सम, इफ साइन 2x इक्वल्स टू साइन 60 डिग्रीज कॉस 30 डिग्रीज माइनस कॉस 60 डिग्रीज साइन 30 डिग्रीज फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये जो x है ये इक्वेशन दिया हुआ है वो यूज करके हमें वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है, मैंने ये पूरा इक्वेशन यहां लिख के रेडी रखा है, अब हम जैसे से सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए हमें ये x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये पार्ट एज इट इज लास्ट तक मेंटेन करेंगे, यहां पर सब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हम लगाएंगे 60 डिग्रीज 30 डिग्रीज। सो फर्स्ट स्टेप sin 2x एज इट इज, sin 60 की वैल्यू बताएं, मुझे बताएंगे sin 60 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 अंडर रूट 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 30 डिग्रीज, कॉस 30 डिग्रीज, कॉस 30 डिग्रीज की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 अपॉन 2, ठीक है, माइनस कॉस 60 डिग्रीज, कॉस 60 डिग्रीज की वैल्यू है 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन 30 डिग्रीज, साइन 30 डिग्रीज की वैल्यू भी 1 अपॉन 2। नेक्स्ट लाइन देयरफॉर साइन 2x एज इट इज, x की वैल्यू हमें पता करनी है, मल्टीप्लाई दीज टू अंडर रूट 3 इनटू अंडर रूट 3 बिकम्स 3, मैंने जस्ट इसके आगे वाले सम में डिस्कस किया था, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 3 3 होता है, नीचे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 4,
माइनस, यहां पर ये दोनों मल्टीप्लाई कर ले, वन मल्टीप्लाइड बाई वन इज वन, टू मल्टीप्लाइड बाई टू इज फोर, ठीक है। अब हम ये दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों फ्रैक्शन को, नीचे का डिनोमिनेटर सेम है फोर एंड फोर, तो हम ऊपर के न्यूमरेटर्स डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देयर फॉर साइन टू एक्स इक्वल्स टू थ्री माइनस वन इज हाउ मच टू, एंड नीचे फोर एज इट इज रहेगा, नीचे सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। थ्री माइनस वन बिकम्स टू बाई फोर। अच्छा, अब हम इसे रिड्यूस कर लेंगे, टू वन जा एंड टू टू जा फोर, इजंट इट, रिड्यूस करा हमने। सो देयर फॉर साइन टू एक्स, यहां इक्वल टू मिला है वन अपॉन टू, ये फाइनली मिला है। अब मुझे बताइए कौन से साइन की वैल्यू वन अपॉन टू होती है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेबल से कौन से साइन की वैल्यू वन अपॉन टू होती है। साइन 30 डिग्रीज इजंट इट, साइन 30 डिग्रीज इज वन अपॉन टू, बट मैं वही चीज यहां लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, बट साइन 30 डिग्रीज जो है वो होता है वन अपॉन टू। इसका मतलब अगर ये दोनों चीजें कंपेयर करें, ये जो 2x है ये 30 डिग्रीज के बराबर है, ठीक है। सो अगर ये दोनों कंपेयर करें, मैं आगे का पार्ट यहां पर करता हूं आप लोगों के लिए, therefore ये जो 2x है ये एक्चुअली 30 डिग्रीज के बराबर होना चाहिए, और ये यूज करके हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 2 मैं इसके नीचे लेके जाऊंगा, therefore x will be equal to 30 degrees by 2, therefore finally x हो जाएगा, अगर ये रिड्यूस करेंगे हम, 2 1s और 2 15s, 2 15s 30 isn't it, finally x equals to 15, ये है वैल्यू x की जो पूछी हुई थी। ये तरीका है सम सॉल्व करने का, और ऐसे छोटे छोटे सम्स आपको रफ वर्क में सॉल्व करके डायरेक्टली एमसीक्यू से उसके ऑप्शंस पता करने हैं और आंसर लिखना है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सम की तरफ। चलिए बच्चों ये सम करते हैं, ये है हमारा नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम इज इफ 5 sin theta minus 12 cos theta equals to 0, ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन यूज करके हमें फाइंड करना है 10 theta की वैल्यू, ठीक है, 10 theta फाइंड करना है ये इक्वेशन यूज करके। मैंने ये इक्वेशन यहाँ ऑलरेडी लिख के रखा है, लेट्स सी 10 theta कैसे मिलेगा। बहुत इजी है, सबसे पहली चीज ये माइनस 12 theta को हम ये तरफ ले जाकर, राइट हैंड साइड पर ले जाकर प्लस कर देंगे, ये माइनस 12 cos theta comes here and becomes plus 12 cos theta, so बचा है 5 sin theta यहाँ पर equals to, सामने ये 0 के साथ add होगा, 0 forget about 0, 0 हम नहीं बताएंगे, becomes positive 12 cos theta, ठीक है। अब मुझे find करना था 10 theta, देखिए अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ये sin theta को एज इट इज रखूंगा, ये cos theta को उसके नीचे ले लूंगा, ठीक है। सो sin theta एंड cos theta हम एक तरफ ले लेंगे, और ये 5 को ये 12 के नीचे मैं ले लूंगा यहां पर, ये तरफ राइट हैंड साइड पर, सो बनेगा sin theta अपॉन cos theta, वो cos theta को यहां लाकर मैंने डिवाइड किया है, इक्वल्स टू यहां था 12, 12 के नीचे ये 5 यहां जाके डिवाइड होगा, बिकम्स अपॉन 5, सो मैंने जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, साइन एंड कॉस एक तरफ, नंबर्स दूसरी तरफ, ठीक है। अब मुझे बताइए, देखिए फर्स्ट पार्ट रिकॉल कीजिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब 10 थीटा, इजंट इट, 10 थीटा का रिलेशन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सो फाइनली हम इसकी जगह लिखेंगे 10 थीटा equals to ये as it is, और यही हमें find करना था 10 theta की value, so 10 theta की value बनती है 12 upon 5, MCQ में आपको ये option ढूंढना पड़ेगा 12 upon 5। चलिए बढ़ते हैं next sum की तरफ। Okay बच्चों, ये है हमारा next sum, if sin theta is equal to 7 upon 25, sin theta की value दी हुई है
फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, टेन थीटा हमें फाइंड करना है। अब साइन एंड टेन में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, साइन एंड टेन में कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं लग सकती है। सबसे पहले ऐसे टाइप के सम सॉल्व करने के लिए, ये मैंने ऐसे टाइप के सम किसी आगे पार्ट में डिस्कस किए हैं, लेट्स डू इट अगेन। एक आपको ट्राइंगल लेना है, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल से सपोजिंग मैंने ए बी सी ट्राइंगल लिया है, राइट एंगल यहाँ पर है और ये जो एंगल है थीटा मैंने इसे यहाँ पर मार्क कर दिया थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है 7/25। साइन थीटा क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, इजंट इट? तो मैं ये थीटा जहां लिया है इसके सामने वाली साइड 7 लिख दूंगा और हाइपोटेन्यूज जो है राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज वहां 25 लिख दूंगा। ठीक है, साइन थीटा 7/25, तो मैंने ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज 7/25 के हिसाब से थीटा की ऑपोजिट साइड 7 ले ली है और हाइपोटेन्यूज 25 लिया है। अब सबसे पहली चीज मुझे ये तीसरी साइड बी सी फाइंड करनी पड़ेगी और उसके लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, दूसरी दोनों साइड का स्क्वायर का सम करेंगे, ये होता है पाइथागोरस का स्टेटमेंट। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो जो हमें मालूम है, ए सी स्क्वायर हमें मालूम है 25, तो 25 का स्क्वायर, ए बी हमें पता है 7 स्क्वायर प्लस बी सी हमें मालूम करना है बी सी स्क्वायर एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में 25 स्क्वायर होगा 625, 7 का स्क्वायर होगा 49 प्लस बी सी स्क्वायर एज इट इज। अब ये 49 मैं यहां शिफ्ट करूंगा और इसके साथ माइनस कर देंगे, 625 माइनस 49 यहां आ जाएगा और इक्वल टू सामने बचेगा बी सी स्क्वायर। अब मैं ये चीज पूरी घुमाकर लैटरली चेंज करके लिखता हूं, देयर फॉर बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 625 माइनस 49, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है। Therefore, BC square equals to, ये दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे बनता है 576, 625 minus 49, 576, और अब ये स्क्वायर हटाने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहां होगा BC और यहां 576 by स्क्वायर रूट, किसका है 576, किसका स्क्वायर है, सॉरी 24 का, isn't it? 24 multiplied by 24 करेंगे 576 मिलता है, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हम लिखेंगे 24, ये BC कितना मिला है 24। तो सबसे पहली चीज ये टाइप के सम के लिए आपको पाइथागोरस लगाकर तीसरी साइड फाइंड करनी होगी, और एक बार अगर तीसरी साइड फाइंड हो चुकी है देन कौन सा रेशियो चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 थीटा। सिंपली आपको 10 थीटा डायरेक्टली फाइंड करना है, 10 थीटा इफ यू रिमेंबर होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब थीटा के हिसाब से ऑपोजिट साइड है 7 अपॉन एडजेसेंट साइड मिल चुकी है 24, ये है आंसर 10 थीटा का। ठीक है, दिस इज द वे टू वर्क आउट। एक बार आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाया आपको तीसरी साइड मिल जाएगी, देन आपको जो पूछा गया है रेशियो इजीली फाइंड कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, ये है अपना नेक्स्ट सम। द नेक्स्ट सम इज फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में लिखा हुआ 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अगर कोई साइन बीच में नहीं होती तो ट्रिग्नोमेट्री में वहां पे मल्टीप्लाई की साइन समझी जाती है। ये इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, लेट्स सी कैसे करेंगे। थीटा मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये था। ठीक है, अब सबसे पहली चीज इसके लिए 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा के लिए मैं दूसरी आइडेंटिटी लगाऊंगा।
क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? एक आइडेंटिटी थी 1 + 10² θ के लिए, क्या कुछ सुनाई नहीं दिया? प्लीज 1 + 10² θ इट इज इक्वल टू sec² θ, इजंट इट? यस, sec² θ, cos² θ एज इट इज, इसकी जगह हम लिख देंगे sec² θ। सेकेंड आइडेंटिटी मैंने यूज की है। नेक्स्ट स्टेप, ये cos² θ एज इट इज लिखता हूं मैं। अच्छा, sec का अब इनवर्स रिलेशन में लगाऊंगा, ठीक है? sec का इनवर्स रिलेशन क्या होगा? sec θ जो है वो cos θ का उल्टा होता है, isn't it? So sec² θ की जगह मैं 1 upon cos² θ लिखूंगा। So sec² θ मैं चेंज कर रहा हूं, मेक इट 1 upon cos² θ। ये sec θ का इनवर्स रिलेशन मैंने यूज किया। नेक्स्ट स्टेप, नाउ कैन यू गेस क्या कर सकते हैं इसमें? cos² θ 1 times एंड cos² θ 1 times ऊपर नीचे कट जाएगा, isn't it? So overall आप जो भी चीज बची हुई है मल्टीप्लाई कीजिए, 1 multiplied by 1, और नीचे भी 1 बचा हुआ है, 1 multiplied by 1, आंसर क्या आएगा? 1। दिस इज द आंसर, ठीक है? एमसीक्यू में आपको जो 1 ऑप्शन होगा उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो ये तरीका है ट्रिग्नोमेट्री के छोटे छोटे सम सॉल्व करने का, और ऐसे सम्स आपको एमसीक्यू में आ सकते हैं। चलिए आइए और एक सम करते हैं, आज का आखिरी सम। ओके बच्चों, ये है हमारा नेक्स्ट सम। सम है इफ थीटा इक्वल्स टू 45 degrees, थीटा 45 degrees है, फाइंड 10² θ + cot² θ। 10² θ प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है जब दिया हुआ है थीटा इज 45 degrees। ये जो वैल्यू फाइंड करनी थी मैंने यहां पर ऑलरेडी लिखी हुई है, 10² θ प्लस sin² θ। लेट्स डू इट। थीटा कितना दिया हुआ है? 45 degrees। पहले स्टेप में जस्ट मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा थीटा की जगह 45 degrees प्लस cot स्क्वायर। सो cot स्क्वायर थीटा की जगह मैंने लिखा है 45 degrees जो दिया हुआ था। नेक्स्ट स्टेप, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू का टेबल, प्लीज आप मेरी मदद कीजिए, मैं भूल चुका हूं, मुझे नहीं मालूम है, आप बताइए 10 45 की वैल्यू। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल रिकॉल करेंगे 10 45 की वैल्यू, यस 1, इजंट इट? सो 10² 45 की जगह मैंने 1 लिखा है और ये स्क्वायर एज इट इज। cot स्क्वायर 45, अगेन जब 10 45 है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, अगेन cot 45 की वैल्यू भी 1 होगी। सो cot स्क्वायर 45, cot 45 की वैल्यू 1, और उसका भी हमने स्क्वायर किया। सो 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 होगा, प्लस अगेन 1 का स्क्वायर इज 1, एंड अल्टीमेटली 1 + 1, फाइनली द आंसर बिकम्स 2। ये है आंसर इस सम का, ठीक है? तो इस तरह आपको ट्रिग्नोमेट्री के सम सॉल्व करने हैं, इस तरह आपको आंसर फाइंड करना है। आज का पार्ट मैं यहीं फिनिश करता हूं, नेक्स्ट पार्ट में हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। आपकी ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में जो एमसीक्यू आते रहे हैं, मैं लास्ट ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में जो एमसीक्यू आपको आते रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, वो एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, मेरे साथ बने रहिएगा। आज का वीडियो एंड करने से पहले मैं हुसैनी सर, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, मेरी चैनल लर्नोमेनिया को आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियोस हर चैप्टर के लिए एक सेपरेट सीरीज बनाकर आप लोगों के लिए वीडियोस लाता रहूंगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से रिलेटेड। आज का पार्ट यहीं पर फिनिश करता हूं मैं, जल्द ही आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।